कानपुर से, मेरठ से, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे अवनीश के पास। अवनीश, लखनऊ से तलाशी शुरू हुई, कानपुर, मेरठ तमाम जगहों पर हो रही है इस वक्त। कानपुर में भी कई लोगों को अभी तक पकड़ा जा चुका है, एक बड़े कारोबारी बिल्डर को भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, कानपुर शुरू से ही आतंकवादियों में गढ़ रहा हो, चाहे बात ISI करेंगे आए, चाहे आप सिमी की बात करें, चाहे आप यहाँ पर की बात करें, और ये अब अलकायदा का मामला आया तो कहीं हर जगह कानपुर जो है एक उन्होंने एक हब बना लिया है कि अपराध कहीं होगा लेकिन उसके लिंक कानपुर जरूर होते हैं। और वजह साफ है कि यहाँ पर, यहाँ का जो मुस्लिम माहौल इलाका है, यहाँ पर जो नए नए लोग, जो नए नए पैसे वाले हो रहे हैं, इनके अगर बारीकी जाँच की जाए तो कई ऐसे कनेक्शन खुलेंगे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होंगे और ISI एजेंट होंगे। क्योंकि मुझे स्लीपर मॉड्यूल, कानपुर स्लीपर मॉड्यूल तो हर 10वें दिन अगर ढूंढा जाए तो एक मिल जाएगा, और लेकिन बावजूद इसकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जब कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है उसके बाद कानपुर को नाम देती है। लेकिन अगर कानपुर जो नए पैसे वाले लोग हैं, जो खासकर मुस्लिम इलाकों में जिन्होंने एकदम से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इनकी अगर गहनता जाँच हो जाए तो काफ़ी। और अब सीधे देखिए मेरठ चलेंगे, नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, पश्चिमी यूपी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाने लगा है क्या? आतंकी वहां पर हमने देखा है कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन के तौर पर जुड़े रहते हैं, और ऐसे में मेरठ में भी देखिए तमाम ऐसी खबरें आई इसी बीच। देखिए, 2.5-3 साल पहले मेरठ का एक लिंक निकला था, शामली में एक सिपाही को गोली मारकर लूट हुई थी, उसके हथियार लूटे गए थे, उसमें ये लिंक निकला था कि उनका संपर्क जो है बदमाशों का वो पंजाब के खालिस्तानियों से है, और उसकी बाकायदा NIA ने जांच की थी और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दोषी भी पाए गए थे, हथियारों के जो सप्लायर हैं वो भी पकड़े गए थे। और अब जो दरभंगा बिहार में ब्लास्ट हुआ, जो पार्सल ब्लास्ट हुआ स्टेशन पर, उस मामले में हैदराबाद से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है जो कैराना के रहने वाले हैं, शामली जिले में ये कस्बा पड़ता है, और उन दोनों के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूं, और ये जो दोनों लोग हैं ये इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे या भारत की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। और करीब 20 साल से लगातार ये जो भाई हैं नासिर और इमरान, ये हैदराबाद में रह रहे थे, कपड़ा का कारोबार करते थे, और इनके लिंक इस ब्लास्ट से मिले हैं। इसके अलावा कैराना में ही 2 और लोग पकड़े गए हैं जिनमें एक सलीम टुइया नाम का व्यक्ति है और एक दूसरा नफीस है। इन दोनों के पास जो संपत्ति है उसको भी मिलने का खुलासा हुआ है। ये भी बताया गया है कि ISI की एक महिला एजेंट है जिसके जरिए ये लोग जुड़े हुए थे, जो खुफिया है पाकिस्तान की वहाँ से, और इनके पास पैसा भी हवाला से आया हुआ है। बिल्कुल यही स्थिति जो है वो नासिर और इमरान की है, उनके घर में भी जो तामीरात है वो चल रहा है। इसी तरीके से जो सलीम टुइया हैं उसकी उम्र करीब करीब 60 साल के आसपास है, लेकिन उसके लिंक जो हैं वो पाकिस्तान से बने हुए हैं। कैराना का पाकिस्तान से लिंक होना कोई नई बात नहीं है, यहाँ के बहुत सारे परिवारों की वहाँ कराची में, लाहौर में, पेशावर में, मुल्तान में रिश्तेदारियाँ हैं, और वहाँ से गठरी कारोबार चलता रहा था। जो गठरी कारोबार है उसका जो विस्तार है वो कुछ इस तरीके से, वहाँ से जो सोना है और बंदूकें तस्करी में लाई जाती थी, और बड़ी तादाद में 90 के दशक में और उसके बाद लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ के कई सारे जो बड़े तस्कर थे वो पाकिस्तान में ही जाकर सेटल हो गए और वहाँ ISI के एजेंट बन गए। तो जो तार हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, और वक्त बेदा वक्त ये सारे जो तार हैं वो निकल कर NIA और जो बाकी राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं वो निकाल कर सामने लाती हैं और ये खुलासा करती हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, अब लखनऊ चलेंगे, अनूप भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, लगातार देखिए परिजनों से आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो मिन्हाज हो या फिर दूसरा, सभी के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों के कनेक्शन नहीं है, तो किस बात पर वो इन चीजों को झुठला रहे हैं और आगे कोर्ट तक की बात अब वो कह रहे हैं? देखिए शिवांगी, बिल्कुल है, जिस तरह से UPATS ने दोनों आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, अब वो 14 दिनों की रिमांड पर जो है UPATS के हवाले हैं और ATS की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। UPATS ने दावा भी किया है कि 15 अगस्त से पहले ये दोनों जो है ब्लास्ट करने वाले थे, जिसमें लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं और जो तमाम ऐसे जो है संवेदनशील जो है स्थल हैं वो इनके निशाने पर थे। लेकिन जिस तरह से ये भी खुलासा हुआ कि 15 अगस्त से पहले ये जो ब्लास्ट की तैयारी थी वो मई माह में थी, लेकिन कोरोना माह में जो है जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया
और भीड़ जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। लिहाजा इन्होंने अपना जो प्लान है वो आगे बढ़ाया और 15 अगस्त से पहले जो है प्लान किया कि ब्लास्ट किए जाएंगे, लेकिन जब यूपीएटीएस ने गिरफ्तारी की ही तो ये इस बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा इस बात का भी ये खुलासा हुआ है कि कश्मीर तक जो है इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। तौहीद नाम का शख्स है जिसको जो है जो नकदी जो है वो अकाउंट के जरिए जो है भेजी गई है। इसके अलावा कानपुर से भी जो है 13 ऐसे अकाउंट हैं जो सामने आए हैं कि दोनों के अकाउंट में पैसा आया है। तो कड़ी दर कड़ी जो है यूपीएटीएस की टीमें लगातार जोड़ रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये अलकायदा से इनका नेटवर्क है, ये अलकायदा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इनका जो हैंडलर है वो अलकायदा का उमर हिल मंडी है जो इनको सीधे तौर पे जो आप नजर बना रखिएगा। अनूप और अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त खिलाड़ियों के साथ देखिए बातचीत करें, टोक्यो में जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत। टोक्यो जाएंगे